नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं जुबैर खान की खास रिपोर्ट। मेट्रो सिटी कानपुर में जाम की स्थिति को काबू करने के लिए लगातार प्रदेश सरकार कार्यरत है, जिसके चलते शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को एक जाम का सामना करना पड़ता था। कैंट विधानसभा अंतर्गत जयपुरिया क्रॉसिंग में भी रेलवे क्रॉसिंग के चलते यहां पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक पुल का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इसे लेकर आज सांसद सत्यदेव पचौरी ने भूमि पूजन करते हुए इस पुल की नींव रखी। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद पचौरी ने कहा कि कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाला ये शहर का सबसे मुख्य मार्ग है और इस मार्ग पर जाम होने की वजह से लोगों को लखनऊ पहुँचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस पुल के निर्माण के बाद काफ़ी सहूलियत निकलेगी। देखिए, जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, और 2008 से पास पुल कोई सांसद ध्यान ही ना दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमने प्रण कर लिया है कि कानपुर में विकास का जितने काम पहले से पेंडिंग हैं वो होंगे, नए काम होंगे, कानपुर को फिर से जो उनकी पुरानी पहचान थी मैं उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर उसको बनाएंगे। बाबूजी, कितने समय से कितनी बड़ी सुविधा मानते हैं इसको, क्योंकि जाम की बड़ी समस्या है। देखिए, मुख्य मार्ग है ये कैंटोनमेंट को जाने का और जाजमऊ को जाने का, पुल और बन गए, इधर उधर बन गए, झाड़ी बाबा बन रहा है, पहले से बना हुआ है वो मरी कंपनी पे, लेकिन मुख्य ये है, मुख्य यहाँ से बनने से आदमी सीधे पहले ही आ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, LIC बिल्डिंग होते हुए सीधे आ जाएगा।